नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर एक महीना पूरा कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही भगवंत मान एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। अब यूं तो मान का विवादों से नाता पुराना रहा है, लेकिन इस बार फिर भगवंत मान अपनी एक खराब आदत के चलते चारों तरफ घिर गए हैं। दरअसल अब उन पर शराब के नशे में गुरुद्वारे में माथा टेकने का आरोप लगा है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उनसे सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री मान ने जालंधर में अंबेडकर जयंती पर आयोजित एक समारोह में शामिल होने से पहले तलवंडी साबो गुरुद्वारा तख्त श्री दमदमा साहिब में नशे की हालत में ही माथा टेका था। उन्होंने कहा कि जब भगवंत मान माथा टेकने आए तो उन्होंने शराब पी रखी थी और वो नशे में थे। उन्होंने मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। वे अब मुख्यमंत्री हैं और दुनिया उन्हें देख रही है। बादल ने कहा कि वह मुख्यमंत्री के खिलाफ 6 महीने तक बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन सिख मर्यादा और गुरुद्वारे की बेअदबी उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। वहीं SGPC के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रघुजीत सिंह विर्क ने कहा कि मुख्यमंत्री ने शराब के नशे में एक पवित्र स्थान का दौरा किया और सिख रेहत मर्यादा यानी आचार संहिता का उल्लंघन किया। भगवंत मान के कदाचार से पता चलता है कि उन्होंने गुरु घर को उचित सम्मान नहीं दिया और संवैधानिक पद की प्रतिष्ठा को भी कम किया है। विर्क ने कहा कि CM मान को सिख समुदाय से माफी मांगनी चाहिए और इस मामले में कांग्रेस और भाजपा ने भी मुख्यमंत्री मान को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोनों पार्टियों ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान CM की बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वे शराब के नशे में थे, उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाना चाहिए। वहीं अब आम आदमी पार्टी ने विपक्षी दलों पर CM की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। अब दरअसल पूरी कहानी सियासत की है या वाकई मान ने जो व्यवहार किया, जिस हालत में वो वहां पर पहुंचे, क्या वो सही थे? बहरहाल अब पंजाब की सियासत में ये एक नया मुद्दा तैयार हो गया है और जाहिर सी बात है कि अगर मुद्दा हावी होता है तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। नमस्कार।